नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आदित्य ठाकरे लगातार महाराष्ट्र में नई नवेली सरकार एकनाथ शिंदे और फडणवीस की जो बनी है उस पर निशाना साधते नजर आए। जो बात शरद पवार ने शुरुआत की थी कि बहुत कम दिनों में ये सरकार गिर जाएगी, कैबिनेट विस्तार होगा तो काफी दिक्कत आएंगी, उसके बाद सरकार में कहीं ना कहीं आपस में ही मनमुटाव होगा और जो समर्थन से सरकार बनी है वो टूटती नजर आएगी, लेकिन सारी की सारी बातें धरी की धरी नजर आई। कैबिनेट विस्तार भी हुआ, 20 मंत्रियों के यहाँ पर नाम भी सामने आए और जिस तरीके से शिंदे गुट और फडणवीस दोनों ही खेमा कहीं ना कहीं फैसलों पर सहमति जताता नजर आया, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इसके बाद कई सारी यहाँ पर खबरें ऐसी आई कि शिंदे गुट में थोड़ी बहुत हलचल है नाराजगी की और फडणवीस भी कहीं ना कहीं अभी अपने पद से खुश हैं लेकिन उनके खेमे में भी नाराजगी की खबरें हैं। इस बीच आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर से निशाना साध दिया है कि असली सीएम कौन, ये बहुत बड़ा उनका बयान है, तो इस बयान की तरफ आपको लेकर चलते हैं जहां पर कई सारी तस्वीरें साफ होंगी कि उनका पूरा बयान आखिर है क्या। दरअसल आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर तस्वीरें हैं और लगातार एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे आमने सामने हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री रहे आदित्य ठाकरे ने राज्य में बनी नई नवेली सीएम एकनाथ शिंदे कैबिनेट पर तंज कसा और सवाल पूछा कि आदित्य ठाकरे ने पूछा कि दुर्भाग्यवश भारत की वित्तीय महाशक्ति मुंबई और महाराष्ट्र की कैबिनेट में शांति छाई है, कोई बोलने वाला नहीं, किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही, सत्तारूढ़ दल में महिला विधायकों की अच्छी संख्या रहते हुए कैबिनेट में कोई महिला मंत्री नहीं है, आखिर इस असंवैधानिक और अवैध सरकार में असली मुख्यमंत्री कौन। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया यहां पर जिस तरीके से यहां पर आदित्य ठाकरे ने बातें कही। आदित्य ठाकरे लगातार कैबिनेट विस्तार मामले पर चुटकी लेते नजर आते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं और एकनाथ शिंदे और फडणवीस पर निशाना साधते हैं। लेकिन इन सब तमाम बयानों के बीच यहां पर जो खबरें सामने आई, आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर से सवाल पूछ लिया कि असली सीएम कौन। तो ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि लगातार शिंदे और फडणवीस की सरकार पर यही बात तंज कस रहा है विपक्ष, तो क्या इसका पूरा खुले तौर पर बयानबाजी, यहां पर आरोप प्रत्यारोप का मामला एक बार फिर से शुरू होता देखने को मिलेगा, क्या शिंदे गुट या फडणवीस की तरफ से इस बात की जवाबी दी जाएगी, क्योंकि आदित्य ठाकरे अब विपक्ष के नेता माने जाते हैं तो विपक्ष के नेता होने के साथ साथ पक्ष के नेताओं का इनका बयान देना बनता है। लेकिन आदित्य ठाकरे के बारे में बता दें, आदित्य ठाकरे इन दिनों होने वाले बीएमसी चुनावों की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो वहीं चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में अलग लड़ाई छिड़ी हुई है। अगर उद्धव ठाकरे से चुनाव चिन्ह छिन जाता है तो कहीं ना कहीं आदित्य को जीरो से यानी जमीनी स्तर से शुरुआत करनी होगी कुछ नए चुनाव चिन्ह के साथ, क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं, बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि शिंदे के पास काफी सारा मंत्रियों का बल है, तो कहीं ना कहीं ये फैसला शिंदे के पास भी जा सकता, उद्धव के पास भी जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखना यही दिलचस्प है कि आने वाले वक्त में चुनावी सरगर्मियां क्या होती हैं। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।